व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम 5 को देखते हैं जो कि कमीशन की मीटिंग में जाता है और कमीशन के सारे मेंबर्स को निपटा देता है और हेड यानी कि एजे को भी पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लाउस और बेन को बातें करते हुए। बेन क्लाउस की एक भक्त जिल से प्यार करता है और इसलिए वो क्लाउस की बॉडी में घुसना चाहता है। पहले क्लाउस इस बात के लिए तैयार नहीं होता है पर बाद में मान जाता है। अब सीन वान्या पर फोकस करती है जहां काल वान्या से कहता है कि वो उसे ऑफिस छोड़ दे, जिस पे सिसी मना करती है पर वान्या मान जाती है। काल वान्या को लेकर फार्म पे जाता है और बताता है कि उसे सिसी और वान्या के बारे में सब पता है। काल कहता है कि ये सब हार्लन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो हार्लन को किसी हॉस्पिटल में छोड़ देगा जहां उसके जैसे बच्चे रहते हों। वान्या उसे ऐसे करने से मना करती है, जिस पे काल कहता है कि अगर वान्या आज शाम तक काल का घर छोड़ देती है और वहाँ से चली आती है तो वो ऐसा नहीं करेगा और वान्या को कार की चाबी देकर चला जाता है। वहीं रेमंड को प्रेसिडेंट कैनेडी के ऑफिस से कॉल आती है क्योंकि उनके आंदोलन ने प्रेसिडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है। पर एलिसन रेमंड के साथ नहीं जाती है क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती है। रेमंड कहता है कि वो आते वक्त सूप लेकर आएगा और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ 5 एजे को लेकर हैंडलर से मिलने जाता है। हैंडलर 5 को टाइम ट्रेवल करने वाला ब्रीफकेस देती है और कहती है कि तुम्हारे पास 90 मिनट हैं अपनी फैमिली को लेकर 2019 में जाने के लिए। पर 5 कहता है कि उसकी फैमिली सिटी के अलग अलग जगहों पर है और 90 मिनट में यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और 5 हैंडलर पर गुस्सा होता है क्योंकि पहले हैंडलर टाइम ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं बताई थी और अब 5 अपनी फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। अब हैंडलर कमीशन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। अब हम डिएगो और लूथर को देखते हैं जो कि ओगा फॉर ओगा का मतलब ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे डिएगो और लूथर पूरे टेक्सास डैलस की एड्रेस बुक उठाते हैं जिसमें जगह जगह का नंबर था। अब यहाँ पे लोग ओगा फॉर ओगा एक पर्सन को समझ लेते हैं और एक औरत को फ़ोन करते हैं और उसे धमकी देते हैं। तभी वहाँ नंबर 5 आ जाता है और उन्हें बताता है ओगा फॉर ओगा स्वीडिश लैंग्वेज है जिसका मतलब है आँख के बदले आँख। और 5 बताता है कि ये खून इन दो स्वीडिश बंदों ने किया है। 5 कहता है कि उसने 2019 में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और एलिसन को लाने के लिए लूथर को भेजता है। डिएगो क्लाउस को लेने जाता है और 5 वान्या को लेने जाता है। पर डिएगो कहता है कि वो जाने से पहले लायला से मिलना चाहता है, जिस पे 5 उसे बताता है कि लायला कमीशन की एजेंट है और वो बस डिएगो का यूज़ करके 5 तक पहुँचना चाहती थी, जिसे डिएगो को बहुत बुरा लगता है और डिएगो 5 की बात नहीं मानता। जिस पे नंबर 5 कहता है कि अब डिएगो ने कोई गड़बड़ की तो 5 खुद उसे मार डालेगा और अब वो वान्या को लेने जाता है। बेन क्लाउस के एक भक्त जिल से प्यार करने लगता है और इसलिए वो क्लाउस की बॉडी में घुसता है और गार्डन में जिल के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी डिएगो वहाँ आता है और क्लाउस को वहाँ ले जाता है और चलने को कहता है। बेन डिएगो को बताता है कि वो बेन है और अब वो क्लाउस की बॉडी में घुस सकता है। बेन जिल से मिलने के लिए 10 मिनट मांगता है और डिएगो भी कहता है कि उसे कुछ काम है और बेन से 30 मिनट्स में गली में मिलने को कहता है जहां वो पहली बार आए थे। वहीं दूसरी तरफ लूथर एलिसन को बताता है कि हमारे पास 42 मिनट हैं यहां से निकलने के लिए। पर एलिसन रेमंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और रोने लगती है। तभी रेमंड वहां आता है और लूथर से पूछता है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एलिसन रो रही है। लूथर भी एलिसन को गली में मिलने को कहता है और वहां से चला जाता है। एलिसन और रेमंड बात कर रहे होते हैं कि तभी 2 स्वीडिश बंदे वहां आ जाते हैं और एलिसन को मारने लगते हैं। एलिसन उनमें से एक की आंख फोड़ देती है और अपनी पावर्स की मदद से एक को दूसरे स्वीडिश बंदे से मरवा देती है, जिसके बाद वो दूसरा बंदा भी वहां से भाग जाता है। 5 वान्या से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वान्या सीसी और हार्लन को भी लेकर जाना चाहती थी पर 5 उसे ऐसा करने से मना करता है और दोनों अपनी पावर्स एक दूसरे को दिखाते हैं पर उनकी फाइट नहीं होती। वान्या कहती है कि वो सीसी से मिलकर गली में पहुंच जाएगी और उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब हम हैंडलर को देखते हैं जो कि लायला के साथ ऑफिस में होती है और वो लायला को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना देती है, जिससे लायला काफ़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो एलियट की बॉडी को दफना रहा होता है कि तभी वहाँ लायला आ जाती है और डिएगो को ड्रिंक की मदद से बेहोश कर देती है और हैंडलर के पास ले आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 गली में सबका इंतज़ार कर रहा होता है और तभी वहाँ लूथर और क्लाउस भी पहुँचते हैं। एलिसन उन 2 स्वीडिश बंदों और वान्या सिसी और हार्लन को साथ लेने और डिएगो लायला के कब्जे में होने के कारण नहीं आ पाते हैं और टाइम ट्रैवलिंग के लिए जो 90 मिनट मिले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे 5 बहुत गुस्सा होता है और उस टाइम ट्रैवल करने वाले बॉक्स को फेंक देता है
क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं होता है। अब हम वान्या को देखते हैं जो कि सिसी और हार्लन के साथ आ रही होती है, पर रास्ते में उसे सिसी का ब्रदर इन लॉ मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसे पकड़ लेता है। वान्या उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है, पर तभी एक पुलिस ऑफिसर वान्या को बेहोश कर देता है और यहीं हमारा 7th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।